हेलो गाइस। और अभी आपने देखा होगा वीडियो में, इंजेक्शन आज मुझे लगा, बॉडी चेकअप करवाया है। काफ़ी समय से नहीं करवाया था तो आज सोचा करवा लेते हैं। और उसके बाद अभी नाश्ता हो रहा है और इसके बाद एक दो जगह जाना है काम से, रिकॉर्डिंग के ही सिलसिले में। तो अभी निकलेंगे घर से, बस नाश्ता करके अब्बू भाई को उठाना है और फिर एक दो मीटिंग है लोगों से, म्यूज़िक से रिलेटेड ही वहाँ जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। और आप सभी लोगों का जो हमने अभी मुहिम छेड़ी थी, जिसकी बदौलत और आप सब लोगों की बदौलत इतने लोगों की हेल्प हो पाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और वो कार्य अभी भी जारी है, हम लोग कर रहे हैं। हमने डोनेशन अभी बंद कर दिया है और बट जो हमारे पास अभी फंड्स हैं, हम उससे अभी आर्टिस्ट जो लोग हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी आर्टिस्टों की हमने कर दी है, अभी काफ़ी औरों की करनी है और बस उसमें लगे हैं। और आप सबका सपोर्ट मिला उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं नाश्ता करता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो आज भी प्लान में तब्दीली, गाड़ी से नहीं, हम अब बाइक की स्कूटी से जाएंगे। यो क्योंकि वहाँ थोड़ा गाड़ी पार्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। यो इस वजह से अबू भाई, यो यो अबू भाई का हमने सुन ही लिया था इसलिए उसमें भी और अभी भी, और उसका मतलब भी अबू भाई ने आपको अच्छे से समझाया था। धूप भी बहुत खतरनाक हो रही है और निकल चुके हैं हम आज स्टूडियो में। रिदम हो रही है, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी है, मैं प्रेम का प्याला आया, एक पल में सदियां आया। जैसे कि आपने सुना वो भाई का जोश, मैं रमता जोगी ऑलवेज रहता है जोश यार, ऑलवेज आपको वो भाई गाने सुनाते हैं रात को लाइव और अभी भी आप सुन रहे हैं, अभी भी मुंह नहीं दिख रहा, रात को भी मुंह नहीं दिखता। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो, गीत गंगा स्टूडियो में, जो कि यहाँ पर है। जो नया म्यूजिक एक गाना आ रहा है आर्यन फिल्म से, उसका म्यूजिक दे रहे हैं ज्योति प्रकाश पंत भाई हमारे, और उन्हीं के स्टूडियो में आए हम आज। और ये देखिए आप, और भाई कुछ ज्योति प्रकाश भाई। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी बता दो, एक नया सिंगर आने वाला है, एक नया सिंगर अंदर बैठे, रिकॉर्डिंग वाले। मैंने कहा तू भी आ जा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ चल रहा है, अभी काम शुरू होगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखो गुरांस का जूस आ गया, जल्दी वो गीत भी आपको दिखेगा, गुरांस का जूस, और गुरांस का जूस भी आ गया। ये स्पेशलिटी है, सुस्वागत ज्योति के, ज्योति के स्टूडियो की स्पेशलिटी है कि जो जैसी आओ ज्योति सबसे पहले जो है गुरांस का जूस हम लोगों को दिखा सकते हैं। तो जूस पीते हैं और फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर कुछ दिखाते हैं। तो जी अब आज मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जो आपने उत्तराखंड के लगभग सारे ही हिट गानों में जिनकी रिदम सुनी है। सुभाष पांडे जी है हमारे साथ, नमस्कार जी। और आज भी जो रिदम यहाँ होना है ज्योति के स्टूडियो में, वो भी रिदम सुभाष पांडे जी करने वाले हैं। और लगभग जितने हिट गाने आपने उत्तराखंड में सुने होंगे, चाहे वो किसी भी सिंगर का हो, तो सब सुभाष पांडे जी की रिदम में। हेलो, हाँ जी, तो आज सारे गाने हमारे भी लगभग, मेरे काफी गाने लगभग गानों में सुभाष पांडे जी का ही वो है रिदम। और जो आज गाना हो रहा है, जो और भी बाकी गाने चल रहे हैं, सब में लगभग उन्हीं का ही रिदम है। और आज भी रिदम होने वाला है, बढ़िया मजा आएगा। थोड़े कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे और अब्बू भाई जो है वो आपको दिख ही रहा होगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं फोन पे, बाद में आते हैं फिर। रोल्स वाला यहाँ भी देख लो आप, अब्बू भाई का यही चल रहा है।
किए बिना खाए रह नहीं सकते। ज्योति भाई भी हंस रहा है अबू भाई को देख के कि अबू भाई बिना खाए। गाइस ये पूरी प्लेट इन तीनों ने खत्म की है, मैं लास्ट में आता हूं। आप देख सकते हैं प्लानिंग तो प्लानिंग हमारी दिख रहा होगा। प्लानिंग थी कि मैं आज डालूंगा और रोहित एकदम से वीडियो बना रहेगा। प्लानिंग थी इन तीनों ने कोई कोई प्लानिंग नहीं। सुभाष भैया ने सबसे ज्यादा खाया, फिर जो सबने बाकी व्लॉग्स भी देखे अबू भाई। तो जी अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। आज जो रिकॉर्डिंग सेशन था वो हो चुका है और मास्क मेरा नीचे गिर रहा है एज यूजुअल। और अब्बू भाई का आपने देख ही लिया था, वहाँ भी जो रुक नहीं रहे थे। और अब ये बहुत तगड़ी साजिश है, घर पहुँचने वाले ये बदनाम करने की बहुत तगड़ी साजिश है। बदनाम क्या, सबने देखा अब्बू भाई ब्लॉग्स में, हम झूठ नहीं बोल सकते और लोग भी झूठ का साथ नहीं देंगे और आपको दंड नहीं अपराध दिया जाएगा। ये आ गए जी हम अपनी सोसाइटी में और जी डी एम फॉरेस्ट एंड हिल्स। वैसे बहुत बार दिखाई है मैंने, आज फिर से देख लो क्योंकि आज हम स्कूटी राइड पर हैं। भाई तो सांप बने हैं बिल्कुल ही भाई, काफ़ी अच्छा सांप बन जाते हैं आप बाइक स्कूटी चलाते हैं। कॉल्ड कटिंग, कटिंग है, कटिंग कौन सी कटिंग? अच्छा स्कूटी की कटिंग। काफ़ी देर से स्टूडियो में बैठे बैठे अब भाई थक चुके हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं रहता ना ज़्यादा इस जगह बैठे, मैं ज़बरदस्ती ले जाता हूँ। तो क्या करें, आप जाना भी ज़रूरी है। सही है सही है सही है। हाँ जी तो पहुँच गए फिलहाल अपने घर अपनी सोसाइटी में और लिफ्ट चलाते हैं। ये आप देखिए अबू भाई का स्टाइल है, ये हमेशा सीढ़ियों से जाते हैं, फिटनेस फ्रीक बनने की कोशिश करते हैं मगर बन नहीं पाते, एक्टिंग पूरी करते क्योंकि डायरेक्टर एक्टर हैं तो वो वाली चीज़ तो उन्हें करनी पड़ेगी। और मैंने सुना है कि फ़ोन पर तुषार द्वारका डिमरी जो है वो कुछ स्पेशल लाए हैं, तो देखते हैं जाके क्या लाए स्पेशल आज। तो तुषार द्वारा ये लाया गया है, ये था वो सरप्राइज जो काफ़ी समय बाद आज हम उसके दर्शन हुए हैं। हैं शालू इतना लेट होने के बाद, अरे सुबह से इसने काफ़ी मेरा साथ दिया आज। सॉरी कुछ बोलना पाएंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं आज के बाद इतना लेट कभी नहीं होऊंगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। सुबह से इसने काफ़ी धोखा दे चुका है और अब मोमोज लाके इसने थोड़ा सा अपने नंबर ठीक कर लिए हैं। यस वरना आज इसका आज मेरा क्या हो जाता। अबू भाई इधर तो आ जाओ। मैं नहीं खा रहा यार। हैं अबू भाई डाइटिंग पे ना, तुम्हारी स्माइल से सब पता लगा सकते हैं कि तुम खा। पहले ये ब्लॉग बंद कर फिर मैं खाऊंगा तब खाऊंगा। नहीं मैं खाता नहीं गाइस, वैसे एक या दो लोगों मुश्किल से। ठीक है खाइए खाइए। हां जी तो मोमोज खा चुके हैं और अब एज़ यूजुअल तो नहीं, काफ़ी व्लॉग्स में छूट गया था क्योंकि बीच में हम इधर उधर गए थे तो उन व्लॉग्स में गाना नहीं हो पाया था। बट यस इस व्लॉग में ज़रूर गाते हैं गाना, अपना पहाड़ी गाना गाते हैं जो मैंने गाया था, मेरी पसंद थी वो सुनाता हूँ। अरे होली का रंग मा तेरा संग मा, अरे होली का रंग मा तेरा संग मा, आज खेललू मैं होली आहायन खेललू होली, ऐसु थमलू तेरो हाथ कभी छोड़ूलू ना छोरी, आहा कभी छोड़ूलू ना छोरी, कभी छोड़ूलू ना छोरी, अरे भरदारों का बोए छोरी भरदारों का, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आगे ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे, अब कोशिश है पूरी कंटिन्यू रखेंगे ब्लॉग्स को। और थैंक यू सो मच रोहित बाजी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।